एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी एग्जाम को लेकर छात्रों की अच्छी खासी भीड़ हरियाणा रोडवेज बस स्टैंड परिसर में आपको दिखाई देती होगी। उपमंडल स्तर की बात कर लें या फिर जिला स्तर पर परिवहन के बस स्टैंड की बात करें, हरियाणा सरकार ने 5 और 6 नवंबर को होने वाली परीक्षा को देखते हुए फ्री बस यानी कि रोडवेज की सुविधा दी है। उसी की एडवांस बुकिंग के लिए छात्रों की लंबी भीड़ बस स्टैंड परिसर पर दिखाई दी। आपको बता दें कि अच्छी खासी भीड़ होने के बावजूद बच्चे हजारों की संख्या में लाइनों में लगकर अपनी सीट बुकिंग के लिए खड़े दिखाई दिए। सुनिए क्या कहना है एग्जाम के लिए जाने वाले छात्रों का। मेरा नाम आदित्य शर्मा है, मैं भिवानी से बिलोंग करता हूं और हरियाणा स्टेट के लिए मैंने अप्लाई किया था, उसके आज रजिस्ट्रेशन के लिए आया हूँ। सर परेशानी सर बहुत हो रही है, 2-3 घंटे से सर लाइन में खड़े हैं, नंबर नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं। और कुछ कैंडिडेट सर बाहर से भी जो लाइन तोड़ के भी लगे हुए हैं, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, सुबह से लग रहे हैं लाइन। सरकार दावा करे कि फ्री बस सेवा है। सर मैं ये कहूँगा कि इसमें सरकार की नाकामी मानता हूँ, बल्कि इससे अगर इससे बढ़िया तो ये था कि हमसे चार्ज लेती गवर्नमेंट, वो बल्कि बढ़िया था। कम से कम पब्लिक थोड़ी तो डाइवर्ट होती, अपने व्हीकल लेके जाते प्राइवेट या अदर सोर्स देखते। फ्री के चक्कर में सर आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर परेशानी हो रही थी, इस टाइम आए थे परेशानी यह है जी, लाइन में लाग रहा सवेरे बिना खाई पी आए थे, इतनी नंबर ना रहा, ये फर्जी भी तो घुस जाए। तो क्या मांग करेंगे सरकार से? कैसे सरकार से मांगे करेंगे, हमारा सेंटर नजदीक डालें, लगा कर दें हमने जल्दी पड़ दे आवा हमें, यह मांग और क्या मांग होती है। दावा तो क्या करा, झूठे दावे करा सरकार, मैच काट देंगे मारी। मेरा सोनू कुमार भाई, सुबह से लग रहा हूँ 8 बजे से, अब तक नंबर नहीं आया है। सरकार जो भी दावे करते हैं वो झूठे करते हैं। सुबह से नुमान बच्चे लाइन से लग रहे हैं, बैग ले रहे हैं, बस तो डाल रखे तो भी नंबर नहीं आ रहा, ये एडमिट कार्ड है तो भी कर रहे हैं। कल भी आए थे, कल भी नंबर नहीं पड़ा, आज भी नंबर नहीं पड़ रहा, पता नहीं बसों में जाना पड़ेगा, कैसे जाना नहीं पड़ेगा, ट्रेन बस स्टेशन पर जाए वहाँ पर भी नंबर नहीं पड़ रहा। ये सरकार ऐसी सरकार मैंने देखी नहीं, घटिया सरकार, सबसे घटिया सरकार रही है। इतना परेशान कर दिया बच्चों और करे रोजगार देंगे ये करेंगे, परेशानी बढ़ा रहे हैं। फैमिली आईडी मांग रहे, आधार कार्ड मांग रहे, बच्चा कहाँ से लेके आए? सुपर एडमिट कार्ड मांग रहे थे, अब फैमिली आईडी मांग रहे हैं, बताओ क्या करे बच्चा, कहाँ जाए? इतना परेशान कर रखा है सरकार ने, कहीं नहीं कर रखा और किसी ने भी किया है। समाधान हम ये चाहते हैं कि सरकार इनसे सबका प्राइवेट बसें भी अलाउड करे, इससे अलावा प्राइवेट बस होनी चाहिए, प्राइवेट जिप्सी होनी चाहिए। हमारे साथ हमारी बहनें भी आई हुई है, हमारी माता जी भी आई हुई है, उनके साथ धक्का मुक्की छेड़खानियाँ हो रही है, कुछ भी सरकार नहीं कर रही, पुलिस व्यवस्था भी नहीं यहाँ पर, इतना सबसे प्रशासन वो नहीं कर रही कुछ भी। सरकार ने वादा किया, वादा सरकार करती है हमेशा, वादों को निभाती नहीं, कोई भी सरकार वादा करती है वादा निभाती नहीं है, वादा वही सरकार निभाती है जो कर काम करवाएगी, काम कोई नहीं करती, बस सुविधा नहीं है। बच्चों को ऐसे पागल बनाया जा रहा है कि मतलब कि आपको फ्री मिल जाएगा, जो 7,000 उनका किराया लिया जा रहा है, अदरवाइज जो भी स्टाफ के मतलब कि यहाँ के कर्मचारी है वो जिसके सिफारिश से उनकी सीट बुक हो रही है ना कि और उसकी विद्यार्थी की हो रही है, इसको लेकर हम बहुत परेशान हैं, सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। सबसे मेन बात तो यही है, सरकार का कहना है क्या है, परेशानी बहुत है और बच्चे को परेशानी है, लड़कियों को ज़्यादा, अगर लड़कियों को नहीं तो लड़कियों को ज़्यादा है। सरकार ने एक वादा भी किया था कि हर परीक्षा के जिले में होगी, ये वादा किया था कि अपने डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा होगी, लेकिन फिर वही जो पीछे एग्जाम में किया वही फिर काम कर रखे है, इसमें कोई भी किसी को नहीं है यहाँ पर, मेरा खुद का कुल क्षेत्र है मतलब पानीपत है, वही डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रखे है ना कि कोई हमारे आसपास। हम तो यही चाहेंगे हमारा कि एग्जाम हो तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो ना कि कहीं दूर, परेशानी बहुत हो रही है दूर जाने में।